आतंकवादियों को टांग में मारती है, वकीलों की छाती में मारती है। ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक कि जो मेन अक्यूज हैं वो अरेस्ट नहीं होते। हल सिर्फ एक ही है कि जिन्होंने गलती कर रखी उनको जेल के अंदर डाल दो, उसके अलावा कोई हल नहीं है। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में, मैं हूं जब्बार खान और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। तो क्या यह मान लिया जाए कि वो बार काउंसिल जो सबसे बड़ी बार काउंसिल है उसकी भी अपने वकीलों के ऊपर नहीं चल रही है? क्या यह मान लिया जाए कि मौजूदा वक्त में यह त्रासदी एक संवैधानिक संकट नहीं है और ऐसे में सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? और सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? क्या यह मान लिया जाए कि जब जुडिशियल इंक्वायरी गठित कर दी गई है और उसके बावजूद दोनों ही पक्षों की तरफ से कल दिल्ली पुलिस ने करीब 10 घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया और आज फिर से वकीलों ने अलग अलग कोर्ट परिसर में जाकर के हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, ताला तक लगा दिया, ऐसे में आम जनता जिसका कामकाज लीगल मामलों से जुड़े हुए वो पूरे तौर पर ठप है, इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? खाकी और काले कोट के बीच की इस क्लैश को लेकर के, इस झगड़े को लेकर के मौजूदा वक्त में आखिर सरकार से लेकर के एलजी से लेकर गृह मंत्रालय शुरुआत से लेकर के अगले कुछ दिनों तक खामोश क्यों रहे? और ऐसे में आज जब उस रिव्यू पिटीशन पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था, सख्त होते हुए कहा कि जो FIR शुरुआत में दर्ज की गई उसके बाद में इन तमाम चीजों पर उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं हो सकता या अलग से कोई एक्शन नहीं हो सकता जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आ जाती है जो कि जुडिशियल इंक्वायरी के तौर पर कमेटी को गठित किया गया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खाकी और काले कोट के इस बीच जो लड़ाई हुई और अभी भी जारी है इसमें आम आदमी पिस क्यों रहा है और इन तमाम चीजों को क्या वक्त रहते ठीक किया जा सकता था? और ऐसे में पुलिस और वकील के बीच का जो झगड़ा है ये कब से चल रहा है और इस झगड़े का अंत क्या होगा? आपको बताएं कि साल 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें यह कहा गया था कि वकीलों को इस तरीके से विरोध प्रदर्शन या फिर हड़ताल करके तालाबंदी करने का अधिकार नहीं होगा। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, आप तक उन तमाम पहलुओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा, मगर उससे पहले आइए इस रिपोर्ट में निगाह डालते हैं। हमारी ये लड़ाई सिर्फ उन पुलिस वालों से है जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया। नेहते वकीलों पे बंदरियों कर रहे हैं, दो वकीलों को पुलिस ने पहले गोली मारी फिर ये सारा हुआ। दिल्ली की सड़कें संग्राम के मैदान में तब्दील हो गई हैं। कानून के रखवाले और इंसाफ दिलाने वाले आमने सामने हैं। हड़ताल और बवाल के बीच कोर्ट में ताले पड़े हुए हैं और कानूनी कामकाज पूरी तरह से ठप है। शनिवार से शुरू हुआ संग्राम कब थमेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस के बाद अब वकील हंगामे पर उतर आए हैं। दिल्ली की सभी अदालतों में काम रोक दिया गया है, पुलिस को भी जी भर कर खरी खोटी सुनाई जा रही है, तो साथ ही पुलिस के प्रदर्शन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कल जो कुछ हुआ ITO के पास, जो हजारों की संख्या में गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचा को धत्ता बताते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल का इकट्ठा होना, कानून को तोड़ के, और जिस ढंग से उन लोगों ने वकीलों को गालियां दी आप लोग को मालूम होगा। हालात ये हो गए हैं कि इंसाफ दिलाने वाले आत्मदाह की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा देने वाली पुलिस हिफाजत मांगती नजर आ रही है। देश की राजधानी का हाल ये है कि लड़ाई झगड़े सुलझाने वाले आपस में ही उलझे हुए हैं और आम जनता की सुनवाई कहाँ होगी ये इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि मतलब कुछ दिक्कत आ गई है। अभी आज बोल रहे हैं कि जब 10-15 दिन के बाद जब तक समझौता नहीं हो जाता है तब तक डेट भी नहीं मिलेगी, समझौता होने के बाद में ही डेट मिलके घर पे पहुंचेगी। दिल्ली का ये हाल कभी नहीं देखा होगा आपने। वर्दी और काले कोट की लड़ाई में जब जनता पिसने लगी और इंसाफ के दरबार को तालों में बंद कर दिया गया तो जंग पर सियासत की रोटियां सेकने वाले सियासतदान भी मैदान में आ गए और बयानों के तीर से सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए।
पर यहाँ अगर कंप्लीट फेल्योर हुआ है, पूरी तरह असफलता किसी की हुई है, तो वो इरादतन गृह मंत्रालय, गृह मंत्री भारत सरकार की हुई है। दिल्ली भारत की राजधानी, यहाँ पर पुलिस 11 घंटे बैठी रहे, एक तरह से वो अपना दर्द ही नहीं कह रहे थे, जो कभी नहीं हुआ था दिल्ली में वो हो रहा था। कहो कहां इंसाफ की मांग उठाए, कहो कहां लोग अपनी सुरक्षा के लिए जाएं। इंसाफ के दरवाजों पर ताले लगे हैं और सियासतदान इसमें वोटों की रोटियां सेक रहे हैं, और इस मुल्क के माइलॉर्ड यहां इंसाफ के नाम पर कानून के रखवाले भी सड़क पर डटे हुए हैं। दिल्ली का ये नजारा सचमुच अब सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19। तो ये हड़ताल क्यों है, और ऐसे में आज हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएं। आइए वो सवाल लेते हैं जो R9 TV आज उठा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं मान रहे वकील? क्या पुलिस और वकीलों की लड़ाई जायज है? और कोर्ट में ताला लगेगा तो इंसाफ कहां मिलेगा? और इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वकील पुलिस के झगड़े का राजनीतिकरण भी अब हो रहा है? इसमें राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही हैं या अपनी रोटी सेक रही हैं? और ऐसे में इंसाफ के मंदिर पर ताला कब तक रहेगा? हमारे साथ में इस वक्त सारे खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिवम त्यागी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता वकार चौधरी साहब हमारे साथ में हैं, आपका स्वागत। थोड़ी ही देर में हमारे साथ में ओपी सागर जी भी जुड़ेंगे जो कि रिटायर्ड IPS हैं। दीप्ति सिंह जी एडवोकेट हैं, वकील हैं पेशे से, वो बताएंगे कि आज इन तमाम चीज़ों में कानूनी पहलू क्या है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में आखिर वकीलों का आचरण ऐसा क्यों है। साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत में दीप्ति सिंह जी आज आपसे ही करना चाह रहा हूं, जब जुडिशियल इंक्वायरी गठित कर दी गई वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जब बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन से बात की, चिट्ठियां लिखा और सभी को सख्त लहजे में ये निर्देश दिया कि हड़ताल बंद करें, काम पर वापस जाएं, तो फिर आज की इस हड़ताल को आखिर किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं इस बार की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है, चाहे पुलिस की बात करें चाहे अधिवक्ताओं की बात करें। पहली बार दोनों ही तरफ के जो लोग हैं वो अपने अपने दायरे से बाहर आकर लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस की बात करें तो उन्होंने ना जाने क्या सोचकर कोर्ट के परिसर के अंदर वो सब कुछ किया जो कहीं से भी ज़रूरत ही नहीं थी। अब जब उनको लग रहा है वकीलों को कि हमारे परिसर में घुसकर हमें कोई मार सकता है, जहां महिला अधिवक्ताओं को बिना जाने तो अभी क्या, तक तो क्या, उनको क्या, पता क्या, भी नहीं था। व्हीकल, वो कार पार्किंग जिसके लिए विवाद हुआ उसमें पुलिस वालों की गलती थी शुरुआत में, आप ये कहना चाह रही हैं? गलती की बात नहीं है, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब आपके पास कोई राइट है, कोई आपको अधिकार दिया जा रहा है, तो उस अधिकार के इस्तेमाल का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में गन है, लाठी है, तो आपको हर दूसरे समय में उसके इस्तेमाल की जरूरत पड़नी चाहिए। जब आपको एक पढ़े लिखे अधिवक्ता अपनी बात बता रहे हैं और अपनी समस्या को बताना चाहा कि भाई थोड़े देर के लिए मैं जा रहा हूं, मैं अपनी चाबी छोड़ के जाता हूं, तकलीफ होगी तो हटा देना या हटवा देना, मेरा आदमी आके कर देगा काम, तुम थोड़ी देर के लिए जाने दो क्योंकि मेरा अभी अभी उसमें अदालत में मेरा नंबर आ रहा है, नहीं माना। ऐसी कौन सी बात होती है जिसको ऐसे शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, और ऐसी कौन सी बात थी नाक और शाख की कि उस आपके निगाह में सारी गलती पुलिस की है? नहीं, और सारी बात नहीं, ऐसी नहीं कह सकते। इसको ये कहेंगे कि अपने प्ले करने की कोशिश ये भी नहीं कह सकते। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अपने अधिकारों को ड्यूटीज के साथ जोड़कर देखना चाहिए। ये नहीं कि आपके साथ राइट है, आपके पास कुछ पावर मिले हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही तरफ की बात करें, अधिकारों को ड्यूटी के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, लेकिन कानून के जानकार जहां पुलिस है वहीं पर वकील, इन दोनों से ज्यादा कानून कौन जानता है? तो क्या वकीलों की तरफ से जो तरीका अपनाया गया कानून के दायरे में रह करके अपनाया गया? बिल्कुल, उस वक्त वो सिर्फ बात कर रहे थे। जिस वक्त पुलिस वाले ने अपने एक और साथी को बुला लिया और घसीट कर अपने दूसरे साथी के सहयोग से वहीं खड़े हुए एक एसोसिएट अधिवक्ता को खींचता हुआ जो कोर्ट के परिसर में ही जेल है उस तरफ लेकर गया। मगर आज
आज इस प्रोटेस्ट की जरूरत क्या है? आज अदालतों में तालेबंदी क्यों कर दी गई वकीलों की तरफ से? आज कामकाज क्यों नहीं हो रहा है, जबकि बार काउंसिल ने तो कहा कि साहब काम पर वापस जाइए, सख्त लहजे में हिदायत भी दी। देखिए, आज तक आपको ये समझ में आनी चाहिए कि छोटे से छोटे अपराध में जब भी पुलिस के साथ बात होती है तो पुलिस किसी को भी अंदर करती है। यहाँ इस बार अधिवक्ताओं का ये डिमांड है कि सिर्फ सस्पेंशन क्यों, ट्रांसफर क्यों, जब उस तरीके का जहाँ की एक व्यक्ति ने, एक जिम्मेदार ऐसा व्यक्ति जो सरकारी महकमे में तो कहीं ना कहीं तो शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी लेता है। इंतजार ही तो हुआ, तीन दिन हो गया, इंक्वायरी हो रही, इंतजार तो करना होगा ना, जिसमें आईबी से लेकर सीबीआई से लेकर के अलग अलग एजेंसीज को असिस्ट करने के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हजारों लाखों की संख्या में हमारे यहाँ कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, कई लोगों के न्याय के लिए जो उम्मीद लगाकर बैठे थे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपको लगता है कि लंबा इंतजार खींचेगा और उसमें खुद ही इंसाफ कर लिया जाए? अब ऐसे में शिवम त्यागी जी, क्या एक बड़ी संवैधानिक त्रासदी नहीं है, और इस संवैधानिक त्रासदी से निपटने के लिए क्या सरकार को कोई पहल नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, इनके पास कुछ विशेषाधिकार हैं और उन विशेषाधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये वो हैं जो कानून का पालन कराते हैं, और अगर हम वकीलों की बात करें जो तो वो हैं जो इस कानून का इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं अपनी तरह से, और जनता में जो गरीब, दलित, शोषित, या फिर यूं कहिए कि जो लोग हैं जिनको न्याय की दरकार है, उनको न्याय के दरवाजे तक ले जाने का जो काम है वो वकीलों का है। मुझे लगता है थोड़ा सा और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को हैंडल किया जा सकता था। एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा रूप ले गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निंदनीय है, और जैसा कि अब कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, मुझे लगता है एसआईटी की रिपोर्ट्स का इंतजार होना चाहिए। एएसआई की जहां तक मैं बात करूं, जो एएसआई हैं जो लॉकअप तक वकील को लेकर गए थे, जो लॉयर को वकील लॉकअप तक लेकर गए थे, उनको ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा मेरा सिर्फ मानना इतना है, चाहे डिपार्टमेंट पुलिस का हो चाहे डिपार्टमेंट वकीलों का हो, इंडिविजुअली जिसने भी गलत काम किया है, जो भी वीडियो में आइडेंटिफाई हुए हैं, जो भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और उनको देखे जाने के बाद, पड़ताल के बाद जो भी गिल्टी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपसे मैं समझना चाहूंगा आदेश भारद्वाज जी, कि एक तरफ शरद पवार ने कहा कि साहब गृह मंत्रालय बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है, अगर शुरुआत में गृह मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया होता तो कहीं ना कहीं, या फिर सरकार की तरफ से कोई स्टेप लिया गया होता तो ये मामला इतना तूल ना पकड़ा होता। खान साहब, ये बिल्कुल सही बात है, सच्चाई ये है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। जो है सरकार ने किसी भी तरह का कोई वो नहीं लिया, और तमाम चीज़ों के होने के बावजूद जो है 9 घंटे तक 10 घंटे तक किस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुलिस के लोग धरना देते रहे, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, जो है उसी का ये परिणाम है। सरकार अगर चाहती तो इनसे बैठ के बात कर सकती थी, भरोसे में ले सकती है, तो कहीं ना कहीं जो अविश्वास का माहौल है एक दूसरे के प्रति, पुलिस अपने को असुरक्षित मानती है, वकील अपने को असुरक्षित मानते हैं, जो सबको सुरक्षा देने की बात करते हैं वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। इससे बड़ा फेलियर इस देश में और दूसरा कोई नहीं हो सकता, और गृह मंत्री वहीं पे बैठे होते हैं और किसी तरह का कोई जो है कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और इस बात को और बढ़ने देने की तरफ जा रही है। शिवम त्यागी जी से जवाब लूंगा, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सच्चाई ये है कि आज देश जो है कई गंभीर मामलों से जूझ रहा है, ठीक है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भुखमरी में 102 पे स्थान आ गया, वो एक अलग पहलू हो गया, वो एक अलग पहलू हो गया, उस पर हम आएंगे। मगर शिवम जी, मैं आपकी तरफ आऊं, उससे पहले वकार चौधरी साहब, ठीक है, आप दिल्ली पुलिस आपके दायरे में नहीं आती, आपकी सरकार के दायरे में नहीं आती, गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, लेकिन क्या दिल्ली में ये सारी चीजें हो रही है? दिल्ली पुलिस हो या फिर वकील हो, यहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्या इन तमाम चीजों में शुरुआत में कोई एक पहल आम आदमी पार्टी की? अमित शाह को आगे बढ़ के आना चाहिए था, वहां पे हमने क्या देखा? क्या बाहर के केजरीवाल जी किसी पुलिस कर्मी को देखने के लिए गए, हालचाल पूछने के लिए गए? जी बिल्कुल, हमारी आम आदमी पार्टी की निगाह रखी हुई है, जैसे भी होता है एज ए मुख्यमंत्री समझौता कराने के लिए, क्योंकि पुलिस आपके दायरे में नहीं आती है, पुलिस पुलिस के खिलाफ आप लोगों ने तो एक पहले से मुहिम छेड़ रखी कि साहब ये तो गृह मंत्रालय के दायरे में आती है, इसलिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्य है, बस यही मैं कहना चाहता हूं कि आज काश अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, दिल्ली पुलिस हमारी सरकार के अंडर में होती,
तो आज ये दिन देखना पड़ता, इसलिए दिल्ली वालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता, इसलिए आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, हम डे वन से ये कहते हैं कि गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय वाला काम करने दिया जाना चाहिए जो उनका काम है, दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में होना चाहिए। अगर ये दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में होती तो आज जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है जहां पे हमारी भारत की साख भी डाउन जा रही है। संजीव कौशिक जी, मैं आपकी तरफ आऊं, लेकिन उससे पहले एक जवाब शिवम त्यागी जी, सारी तरफ से सवालों के बौछार आपकी तरफ आ रहे हैं कि साहब इसमें आप लोगों ने कदम उठाने की शुरुआत या कोशिश की, लेकिन बहुत देर से। सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं जो वकार चौधरी हैं उनको जवाब दे देता हूं। मान लीजिए मेरे घर में एक सिक्योरिटी गार्ड है और मेरा पूरा परिवार भी है, मेरे पूरे परिवार को कोई दिक्कत होती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको देखूं, लेकिन जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उनसे जाके मिल लें एक बार? भूल जाइए इलाज, इलाज तो आप करा ही नहीं रहे, इलाज आपने वकीलों का कराया, सराहनीय कदम है, लेकिन क्या आपने राजनीति नहीं खेल दी कि आप पुलिस वालों से मिले नहीं? दिल्ली पुलिस क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करती है? अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप झंडा लेकर पहुंच जाते हैं तुरंत जंतर मंतर पर, ये देखिए साहब पुलिस वालों ने ये कर दिया, ये देखिए साहब पुलिस वालों ने वो कर दिया, लेकिन आज छुपी हुई नहीं है वो। आज गृह मंत्री आई है, अरे छोटे तो उनको भी आई है, अब मतलब छोटे में भी आप राजनीति ढूंढोगे क्या? मतलब छोटे में भी आप राजनीति ढूंढोगे, राज में भी राजनीति ढूंढोगे, हर जगह राजनीति ढूंढोगे। अब ये तो वकार चौधरी का जवाब था। अब मैं आदेश जी के लिए, अब मैं कांग्रेस की बात का जवाब देता हूं। ये कहते हैं इसके लिए पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। 1988 में 1000 वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ था, सरकार थी राजीव गांधी जी की। आप मुझे, मेरा विनम्र निवेदन है, आप मुझे यह कह दीजिए क्या वो राजीव गांधी जी की जिम्मेदारी थी या उनका फेलियर था सिस्टम का? उनका फेलियर अगर था तो आप मुझे बताएं जरा, फिर मैं इस बात पर आगे आपको जवाब दूं। देखिए शिवम जी, आज के विषय में बात हो रही है, पुरानी चीजों को आप बिल्कुल जवाब मांगेंगे, आदेश जवाब मांगेंगे, सवाल ये बनता है पहले एक चीज तो चाहिए, एक चीज हुई है तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए, पिछले बार सवाल तो आप चाहिए जवाब खान जी, ये सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर एक तरह से नहीं है, सर आप इसको सरकार का फेलियर बना सकते हैं, एक कोर्ट राजनीति आपको करनी है, आप बिल्कुल कीजिए, एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज नहीं किया, आज दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, तमाम चीजों की परेशानियां हैं, हमने हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना के दिया, हर जगह सर्विसेज प्रोवाइड की, आज एक पार्किंग के लिए झगड़ा हो रहा है दिल्ली में, इनकी दिल्ली नगर निगम में इनकी सरकार है, हजारों करोड़ रुपया पार्किंग के नाम का इकट्ठा हो गया, लेकिन एक पैसे के कहीं पार्किंग नहीं बनी। पीछे से कहीं आम आदमी पार्टी से आपने हाथ तो नहीं मिलाया हुआ, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उसको आप बिल्कुल ही कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, बाहर कर रहे हैं, कहते हैं नहीं जो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करके दिया था। सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, बहुत आदत है हमें सच्चाई सुनने की, साहब 2.5 साल वाली पार्टी नहीं है इस देश में, 20 साल से विपक्ष के नेता कर रहे आए हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे, आप मत दिखाइए हमें कि सच्चाई सुननी है या नहीं, शिवम त्यागी जी आप बता दीजिए, जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सुनती आई है हमेशा से, कैपिटल के अंदर दिल्ली के अंदर इस तरह से 10-10 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहता है और गृह मंत्री के कान पे जू नहीं रेंगती, इससे दर्शन से साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। ठीक है सर, अब ऐसे में संजीव कौशिक जी, ये खाकी और काला कोट तो आपस में ये विवाद चल ही रहा था, मगर कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीतिकरण एक बड़ा मुद्दा या राजनीति इस पर अब ज्यादा होने लग गई है। जब्बार भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में न्याय के लिए कानून बनाने वाले और उसको पालन कराने वाले दोनों इतने बेशर्म और बेगैरत हो गए हैं कि पूरे देश में एक गलत मैसेज जा रहा है। इन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं, जब लोग थक जाते हैं तो न्याय की उम्मीद में कचहरी में पहुंचते हैं और जब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो इस पुलिस वाले की शरण में जाते हैं। मगर आज तो कचहरी तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, दोनों ने जो चेहरा दिखाया, ताला वहां पर जड़ देंगे, मैं आ रहा हूं उसी पे, दोनों ने जो चेहरा दिखाया है बड़े ही बेशर्म चेहरा हम लोगों ने देखा है। दूसरी चीज कि यदि ये बात यहां तक पहुंच गई है तो सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? शिवम त्यागी यहां बैठे हैं, बड़ी आसानी से वो टाल देते हैं 88 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ। सवाल ये है कि यदि 88 में ऐसा हुआ तो आज भी आप ऐसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा पहले हुआ था? आपको लाया इसलिए गया था क्योंकि जो पहले हुई है घटनाएं उस तरह की वारदातें अब नहीं होंगी। आपने क्या किया, त्वरित कार्रवाई क्या की? यदि कानून व्यवस्था यदि दुरुस्ती करनी थी शुरुआती दौर में ही, यदि गृह मंत्रालय, सारे लोग जानते हैं इसके लिए ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है क्या कि ये दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है, यदि शुरुआती दौर में ही हस्तक्षेप करने की नौबत हो जाती या कर ली जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं कि आज के वक्त में किसी भी थाने में एक आम आदमी से पूछिए कि आपको थाने में जाना है, थाने का नाम सुन के उसके पैर कांपने लगते हैं और कचहरी का नाम सुनने के बाद में उसको लगता है कि वो लूट गया पिट गया। दोनों के वकीलों और पुलिस के कार्यशैली को लेकर के ये दोनों की स्थिति बहुत खराब है और लोगों के बीच में इन लोगों ने अपना विश्वास खोया है।
कैसे पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही थी, पहले भी इस बारे में चर्चा चली है, सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है। और रही बात वकीलों की, तो ये भी दिखाई दिया है, जहां एक तरफ पुलिस वालों ने यदि गलतियां की हैं तो वकीलों का भी चेहरा सामने आया है कि किस तरह से उन्होंने थप्पड़ चलाई है और हेलमेट से पुलिस वालों की पिटाई की है। दोनों की बात मैं कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि इसके बीच में हम लोग यहां बैठ के सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, सरकार इस पर निदान करे, सख्ती से कार्रवाई करे। पुलिस के लिए एकदम बिल्कुल नियम है कि आप उसमें कहीं यूनियन नहीं बना सकते हैं, कहीं धरना नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर वो कल कैसे प्रदर्शन करने लगे? निश्चित रूप से उन्होंने कानून को तोड़ा है, उसके लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि साल में पहली बार हुआ धरना, ताकि भविष्य में कभी इस तरह की घटना ना हो। 70 साल में पहली बार इस तरह के धरने हुए हैं जो है। मैं अभी कौशिक जी को यहाँ पे रोकूंगी। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि कितने दिन तक हरियाणा प्रदेश जलता रहा जो है, लेकिन किसी की जिम्मेवारी तय नहीं की भारत सरकार ने। अभी हम लोग इस पे राजनीति ना करें। सबसे पहली बात पूरा जवाब दूंगा, सबसे पहली बात हमें यहाँ ये समझना है जी, हमें सबसे पहली बात यहाँ समझना है कि ये सारे जो झमेले हैं, ये जो झंझट है, शुरू कहां से हुआ? शुरू वहां से होता है जब एक पुलिस वाले ने अपने दायरे को तोड़कर कानून जो रक्षा करता है, कानून को उसने पहले तोड़ा और लगातार तोड़ा। उसके बाद आप मैं बता रही हूं, जी जी बिल्कुल वही हो रहा है यहां पे, रेसिप्रोकेशन चल रहा है और इस पे हम लोग राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह हुआ क्यों। हुआ इसलिए क्योंकि हमें अपने कानून को धता बताने की आदत पड़ गई है। जहां डंडे हैं, जहां आपके पास हथियार है, आप सबसे बड़े स्ट्रांग महकमे में है और आप उसके बाद किसी चीज को अपने कंट्रोल से, वकील कानून को धता बता रहे हैं ना? जी नहीं, अभी आ रही थी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अभी हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जांच हो जाए उसके बाद में जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। मैं आपकी उस बात से सहमत हूं। उपद्रव मचा रहे हैं ना जी, जी ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सबसे पहली बात, हजारों की संख्या में कोर्ट परिसर में ना जाने कितने लोगों को ऐसे मारकाट मचाया जा रहा था, ऐसा लगता है जैसे जलियांवाला बाग कांड चल रहा था। दूसरी बात, एक पुलिस वाले को एक जगह पे मारा जा रहा है, दो तीन वकीलों ने मारा, उसी एक वीडियो को वायरल कर देने के बाद लोगों के अंदर आ रहा है कि वकील बहुत बदतमीज है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, जो वकील जो कानून का व्याख्याता है वो इस तरीके से कैसे कर सकता है। पर सबसे पहली बात, एक पुलिस वाले के साथ ऐसा हुआ तो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, यही वो पुलिस है। रेप केस हो, कोई भी मामला हो, आप एडिया रगड़ के मर जाइए, वो वहां पर कोई मामला दर्ज नहीं करते। आपको जांच के नाम पर एक बेचारी लड़की जो विक्टिम है, पूरे दिन, दो दिन, तीन दिन मां बाप भाई बहन के साथ बैठी रहती है, आज हम उस पुलिस वाले के लिए वकालत कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कुछ किया गया है उसको जस्टिफाई कर रही है आप पुलिस के बगैर। यदि इस नजरिए से देखा जाए तो आप लोग इस चीज को हमें समझना चाहिए, बिगड़ा है तरीका है। मुझे दो चार दस ऐसे वकीलों की श्रेणी में बता दें या नाम बता दें जिन्होंने गरीब मजलूम लूटे पीटे लोगों का ऐसे ही वकालत किया हो। और करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपको पता है। वैसे पुलिस वाले भी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के रक्षा करते हैं, दोनों तरफ। मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे हैं दोनों तरफ, इसीलिए कह रहा हूं, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं वही कह रही हूं कि मीडिया भी इस समय जो रोल अदा कर रही है वो सही नहीं है। चाहे हम लोग वीडियोस वायरल कर रहे हैं, कहां है वो लोग जो ये कानून बना रहे थे कि ऐसे नाजायज वीडियोस जो कि आपको वहां के हमारे लॉ एंड ऑर्डर को कहीं तोड़ता हो उसको रोक देंगे। मीडिया की इसमें क्या गलती? जो चीज दिख रही है उसे हम दिखा रहे हैं, उसको उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको लेकर के कोई कार्रवाई करना, ये एजेंसीज का काम है। जहां वकील पिटाए हैं वहां पीटे हैं, वही बात हो रही है। दोनों तरफ की बात चल रही है। एक वकील से लड़ने के लिए हजारों की संख्या में जो कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस आती है, सबसे पहले बात वहां गड़बड़ क्या कर रहे हैं आज? वकील क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर जो कर रहे हैं तो उसके वकालत में करने यहां नहीं बैठी हूं। पर मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं दायरे से बाहर निकलती है वो चीज जहां पे आपके हाथ में पावर आ जाती है। जैसे पावर आया नहीं कि आप सबसे बड़े महकमे में शामिल हो जाते हैं और आप सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं, वहां देखने की बात है कि पुलिस आज इस पुलिस के लिए हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और जो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है वही पुलिस पूरे पूरे दिन किसी विक्टिम को अपने यहां खड़ी रखती है और लोग परेशान रहते हैं। वकीलों की तरफ से कहा यह जाए, ये मान ये लिया जाए कि बार काउंसिल ने कहीं ना कहीं सख्ती भी दिखाई कि साहब हड़ताल खत्म कीजिए और ऐसे लोगों का नाम दीजिए वरना हम इस केस से अपने आप को अलग कर लेंगे। मगर क्या जो जिस शख्स ने, जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? क्या पुलिस के किसी आला अधिकारी ने इस पूरे मामले में आकर के खंडन किया कि पुलिस की कार्यशैली, पुलिस का रवैया गलत रहा? ये घटनाक्रम इतना जल्दी से घटित होते हैं। देखिए, मैं पहले पुलिस अधिकारी था और आजकल वकील भी हूँ, तो इसलिए ये दोनों का सम्मिश्रण ऐसा है कि मैं एक सही नतीजे पे पहुँचने में आपको मदद करूँगा। देखिए, जब ये घटनाएं होती हैं अचानक भीड़, और भीड़ की मेंटेलिटी ऐसी होती है कुछ समझ नहीं आता उस समय कब किस पुलिस वाले ने क्या एक्शन ले लिया, ये तो वीडियोज़ देखने के बाद में
और ये जो जुडिशियल इंक्वायरी है, बहुत तरह के बयान आएंगे, बहुत तरह के कुछ बढ़ा चढ़ा के कहे जाएंगे, कुछ जो है वास्तविक होंगे और कुछ वीडियो जो है क्लिपिंग्स सही बात बताएंगी। और ये जो FIRs हुई हैं और उन FIRs के आधार पे भी कुछ तो तथ्य सही होंगे ही नहीं, वो बात की बात है कि क्या कौन दोषी होगा और क्या उसमें रिपोर्ट आती है, मगर शुरुआती दौर में जो खबरें हैं या जिसकी बुनियाद पर क्या पुलिस के आला अधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को उस बात का खंडन नहीं करना चाहिए या उस पर खेद नहीं जताना चाहिए कि साहब पुलिस कर्मियों की तरफ से अगर ऐसा हुआ है, जांच चल रही है, आने के बाद फैसला होगा, हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी की तरफ से, आला अधिकारी की तरफ से ये बात एक बार भी नहीं कही। नहीं, जब वार्ता हो रही थी, वार्ता में उस समय बार बार यह बात कही गई थी कि अगर कोई इस तरह की जाति हुई है तो उसके लिए हम खेद भी प्रकट करा है उन्होंने, और बार बार इस बात को कहा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी बात की गई। ये जो इसी तरह से जब पुलिस वालों ने कोई बात की है, पुलिस के आला अधिकारियों ने वहां पहुंचकर, पुलिस कमिश्नर ने इस बात को पुलिस अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों के परिवारों के बीच भी जो अधिकारी गए हैं उन लोगों ने यही बात कही है कि हम बिल्कुल जुडिशियसली काम करेंगे, न्यायपूर्वक कार्य करेंगे, जिसका दोष होगा उसको उस दोषी को ज़रूर जो है सजा मिलेगी। इसमें होता यह है कि मैंने आपको बताया कि भीड़ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तो समझ के परे हो जाती है बात, अचानक भी एक अलग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मगर साकेत कोर्ट वाले मामले में FIR या मुकदमा जो पुलिस ने दर्ज किया, 392 के तहत मामला दर्ज किया, डकैती का केस एक तरीके से बनाया, क्या पुलिस पावर का गलत इस्तेमाल करती है? देखिए, लूट तो आप देखिए 392 लूट की धारा है, लूट की धारा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि लूट की धारा 4, अब व्यक्ति अगर किसी चीज़ को छीनते हैं, जबरियन छीन लेते हैं तो वो लूट में आ जाता है, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा आदमी थे, तो जब 5 या 5 से अधिक है तो 395 की धारा लगनी चाहिए थी। ये इन्होंने क्यों ऐसा किया है समझ में नहीं आया, उसमें क्या क्या चीज़ छीनने, घड़ी चेन या क्या चीज़ छीननी दिखाई गई है, FIR के कंटेंट्स मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के की जाती है। पुलिस अपनी तरफ से बहुत सारे मुकदमे में बहुत सारी चीज़ें नमक मिर्च मसाला लगा के भी बना देती है। ठीक है, संजीव कौशिक जी, क्या इस मामले को लेकर के वकील हो या पुलिस, दोनों ही इसे बड़े स्तर पर जानबूझ करके ले जाना चाह रहे कि साहब इस बार आर पार हो ही जाए एक बार? लेकिन ये मामला जितना ही लंबा खींचेगा गलत मैसेज देश में जाएगा, क्योंकि दोनों से देश को बहुत उम्मीदें हैं, दोनों बहुत ही मजबूत स्तंभ है। जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, लाख हम भी शिकायत कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये दोनों बहुत ही जरूरी चीज़ है इस देश में खास करके। लेकिन ये जो कल से लेकर के आज भी जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से चाहे वकीलों के संघ की बात हो, लगातार उनको इससे बाहर निकलने की बात की जा रही है, कल पुलिस वाले ने भी अपने जो गाइडलाइन थे उससे बाहर जाके उन्होंने भी प्रदर्शन किया, तो इसमें बीच बचाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, शिवम त्यागी भले लाख उदाहरण दे, लेकिन इसमें गृह मंत्रालय को निश्चित तौर पे त्वरित जितनी जल्दी हो सके इसके निपटारे के लिए आगे लेकिन अब तो पूरा मामला कोर्ट के अधीन आ गया है। आज तो कोर्ट से भी स्पष्टीकरण के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से अर्जी लगाई गई, कोर्ट ने कहा कि साहब नहीं कर सकते, जो आपने फैसला दिया है जो चीजें हैं वही रहेंगी, और इसकी मीडिया कवरेज ना हो ऐसी अर्जी थी, उस पर भी कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब इस पर बैन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो लोगों के बीच में आनी ही चाहिए, लोगों के बीच में आनी चाहिए कि आखिर गलती कहां से हुई, किस तरह की शुरुआत हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक राजनीतिकरण भी करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसे राजनीति दीप्ति जी, आप जिस बात को कह रहे हैं कि मीडिया ने इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है, क्या ऐसा होता तो कोर्ट की एक भी टिप्पणी नहीं आती, बल्कि ये कहा गया कि मीडिया की कवरेज ना हो, कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब बैन नहीं लगा सकते। देखिए, शुरुआती तौर पे सोशल मीडिया की मैंने बात करी कि सोशल मीडिया जो ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जिस तरीके के छोटे छोटे क्लिपिंग्स एंड वीडियोस निकले, इससे भड़काने का काम किया गया, जो ये मॉब लिंचिंग तक ले गया। जैसे आप लोगों ने कहा कि एक कोर्ट परिसर में एक आदमी को, एक कॉन्स्टेबल को 15-20 लोग मार रहे थे, ये वही सब भड़काने का ही नतीजा है कि आज पूरे देश के जितने भी और कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी इस तरीके के नज़ारे दिखने लग गए हैं, जहाँ पुलिस वाले और वकीलों की लड़ाई शुरू हो गई। भूल रहे हैं कि आज भी अलवर के अंदर, कोर्ट के अंदर एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा गया वकीलों के जरिए। मैं भूल नहीं रही हूं, तभी तो मैं कह रही हूं, क्या ये सब चीजें वकीलों पर लागू नहीं होती? देश का कानून वकीलों के लिए नहीं है, या फिर जो निर्देश जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, या फिर बार काउंसिल की तरफ से या बार एसोसिएशन की तरफ से, वकील मनमाना ही करेंगे?
नहीं ये गलत है और ये मैं भी इस चीज के लिए कभी इनको प्रोत्साहित नहीं करूंगी और ना ही इसके लिए कहूंगी कि मैं उनको साधुवाद देती हूँ, बड़ा अच्छा काम किया। गलत काम है और गलत काम चाहे जो भी करे, चाहे वकील या आपके पुलिस वाले, ये दोनों ही गलत है। पर हम लोगों की को समझना होगा कि गलतियों के जो शुरुआती तौर पर एक कहते हैं कि सिलसिला बना, वो सिलसिला कहाँ से बना? कोर्ट परिसर में हजारों की संख्या में आप लोग कैसे इस बात को पचा ले रहे हैं कि कहाँ से ये ऑर्डर आया होगा और इतनी सारी गाड़ियां और इतने सारे पुलिस वाले कोर्ट के अंदर घुसे कैसे? किसने कहा था? क्या कांस्टेबल की इतनी ताकत थी? यहां से ही सोचना होगा। जब उपद्रव शुरू हो जाएगा, कोर्ट जैसे संवेदनशील जगहों पर उपद्रव शुरू होगा हो जाएगा, तो क्या पुलिस कर्मियों का वहां आना गलत होगा? आखिर क्यों पुलिस है कि क्यों पुलिस लगाई जाती है? ये बात मान तो रही है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, निश्चित तौर पे दोनों पक्ष की तरफ से ये ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूंकि एक गलियारा ये अपने लिए सेफ निकालना चाह रही है कि नहीं मुझे अपने पर्सनल सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं अपने वकील महकमे से अलग होना चाह रही। आप जिस पेशे से आती हैं, डिफेंसिव नहीं हो रही हूं, नहीं मैं डिफेंसिव नहीं हो रही हूं, आती है नहीं तो आप स्पष्ट रूप से कहती कि जिस तरह से उधर से लोगों ने गलतियां करी, यहां से भी कम गलतियां नहीं हुई है, लगातार आज भी गलती कर रहे हैं। गलतियां दोनों तरफ से लगातार हो रही है और हो रही है और अभी भी हो रही है। हम सबसे ज्यादा पुलिस वालों का ज्यादा नहीं चल रहे हैं और ऐसे में शिवम त्यागी जी दे रही है, क्या ऐसे होगा नए भारत का निर्माण जहां पर खादी खादी और खाकी मतलब है हजारों की संख्या में काले कोच आमने सामने खड़े होंगे, जहां पर इस किस्म का एक तरीके से देखा जाए कि गैंग वॉर की शक्ल लेता हुआ दिखाई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जहां तक बात है, पुलिस वालों ने अपना स्ट्राइक जो है खत्म कर चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं, होम मंत्रालय इस पे करीबी नजर बनाए हुए है, इसके साथ साथ एसआईटी का गठन हो चुका है और वकील वीडियोस की पहचान हो चुकी है, वकीलों के लिए भी खासतौर पे। इसमें कोई भी मैं कहता हूं वकील कहां मान रहे हैं, अगर वकील तो रुक नहीं रहे, वकीलों से भी बात लगातार करने की कोशिश की जा रही है, बात होगी। और इसमें यहां मैं कहता हूं वकील और पुलिस दोनों को हटाने किसी भी पेशे की पूरी तरह से अगर हम कहें कि वो सब गलत है, नहीं, लेकिन दोनों ही तरफ से कुछ लोग जो भी हैं, वीडियो के आधार पर हो, चाहे वो सबूतों के आधार पर हो, चाहे और भी सारी चीजें ट्रेल्स देखी जाएंगी, वो सारा करने के बाद मुझे लगता है कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचेगा। और जो भी कोई है जिसने भी सिचुएशन को यहां तक पहुंचाने में आग में घी का काम किया, उसको नहीं बख्शेगा कोर्ट, और सरकार उसको तत्परता से कोशिश करेगी कि एसआईटी में कोई भी कमी नहीं हो। अपने को बचा रही है किसको? क्या ये बयान देके अपना पल्ला झाड़ रही है? उसकी कोई पल्ला नहीं झाड़ रही है। हम क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? मीडिएशन के लिए आपको मुझे तो लगता है आपको जवाबदेही ज्यादा जरूरी है कि आप एक ही डिपार्टमेंट को लेकर क्यों चल रहे हैं? कहीं आपको नहीं है, कहीं आप तो नहीं है इस प्रोटेस्ट के पीछे, कहीं आप तो नहीं है इस राजनीति के पीछे कि आप वकीलों की बात कर रहे हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली के अंदर पुलिस को कह रहे हैं कि नहीं आपने जो किया गलत किया, बाकी एक ही तरफ की आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसके पीछे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इसी प्रदेश में राजनीति आप कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री एक मुखिया होने के नाते, तो ये बहुत ही गलत बात है। पुलिस दिल्ली सरकार आप ये बहुत ही गैर संवैधानिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी अगर आप केजरीवाल जी अगर वकीलों से मिले थे तो क्या पुलिस वालों से मिलना गुनाह था? दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं करती, आप ही की सुरक्षा करती है, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं कहीं ना कहीं आप सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस है बाहर, तो उनसे भी एक बार हालचाल ले लिया होता, वो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तर साल से मंत्रालय से गृह मंत्रालय से या केंद्र सरकार से लड़ते आप ऐसे हो गए कि आप पुलिस का भी दुरुपयोग करने लग गए? ठीक है, ठीक है, जब्बार खान साहब, सच्चाई ये है कि सुरक्षा हमें हमारा कानून देता है, हमारा संविधान देता है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी सागर जी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं जब घटती है तो क्षणिक टाइम में घट जाती हैं, जो ये घटना 1:50 की थी जब वो गाड़ी पार्क की गई और उसके बाद कुछ कहा सुनी हुई जो है, लेकिन दोबारा जब जो झगड़ा शुरू हुआ तो लगभग 3:15 का समय था, 1.5 घंटे के बाद ये सारी घटना घटी गई जो है, किस तरह से पुलिस लोकअप में, यानी कि दोनों तरीके से दोनों तरफ से सुनियोजित तरीके मैं, से सब नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको दो रूप में हमें देखने की आवश्यकता है, एक तो वो जिस समय घटना घटी गई, एक उसके बाद जब वो घटना घटने के बाद जब हम लोग कहीं ना कहीं किसी निर्णय या किसी सही रास्ते की तरफ जाते हैं और लोगों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, जो डर है वो कहीं निकल जाता है, सरकार उसमें फेल रही, उस डर और भय के वातावरण को सरकार ने बनाया, लोगों ने नहीं बनाया। वकील कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है और पुलिस मानती है कि हम सुरक्षित नहीं है, दिन के बाद तक भी गृह मंत्रालय सोता रहा, आदेश जी डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि 1.5 घंटे के अंदर वहां पर अमित शाह जी को होना चाहिए था,
और देखरेख करनी चाहिए थी। उसने दो डिपार्टमेंट आपस में बात कर रहे थे, मुझे लगता है बार का साथ आना चाहिए था और पुलिस को साथ आना चाहिए था। उनके टॉप ऑफिशियल्स अगर आ जाते तो बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। क्या बार काउंसिल के बड़े वकीलों को आगे आकर इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े अधिकारियों को आगे आकर इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? मामले को नहीं निपटाना चाहिए था? आप कहते हैं डेढ़ घंटे में गृह मंत्रालय इस बात का संज्ञान ले रहा था। ठीक है, ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है। और ऐसे में ओपी सागर जी और दीप्ति सिंह जी, ठीक है, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है जो जिस बात को शिवम त्यागी जी कह रहे हैं। ऐसे में आप तो पेशे से आप पुलिस महकमे में भी काम किया, आप मौजूदा वक्त में आप वकील हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस बात को समझाएंगे। ओपी सागर जी जिस पॉइंट को उठा रहे कि दोनों ही तरफ से पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर पुलिस कमिश्नर हो, बार काउंसिल के लोग हो, LG बुलाते, दोनों लोगों को बिठाते, बातचीत होती, ये मामला इस स्तर तक पहुंचता ही नहीं। ये उस समय तात्कालिक रूप से नहीं हो सकता है जब्बार भाई, ये अगले दिन तो हो सकता है, दोनों पक्ष आमने सामने, अगले दिन तो हो सकता था, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, वकील लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, निकल चुके हैं सर, इतनी देर में पुलिस जो है रेस्क्यू के लिए नहीं आ रही है। पुलिस तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अपनी यूजुअल ड्यूटी में, जो उनको ड्यूटी दी जाती है उसके लिए आई, लेकिन वहां भीड़ पे जब देखा पुलिस की संख्या ज्यादा हो गई, फिर भी वकील नहीं मान रहे, फिर दोनों आपस में भिड़ गए, तब ये कार्रवाई बढ़ी है। कि क्या सरकार की इसमें अच्छी भूमिका हो सकती थी? सरकार यदि चाहती तो क्या समय ये बात है, देखिए इसमें जो आपने कहा था कि यहाँ सीनियर ऑफिसर्स को, हालांकि सीनियर ऑफिसर्स सीनियर लेवल के ऑफिसर्स आए थे, बार काउंसिल से नहीं आए थे, वहां पर जो अध्यक्ष है तिसाजारी कोर्ट वाले भी नहीं आए थे, और वहाँ सीजनड वकील, पुराने वकील हैं, उनको भी समझौते में आ जाना चाहिए, तुरंत बचाव में आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, काला कोड भी एकदम कहते हैं इतना, और ऐसे में काला कोड की जब बात आती है दिल्ली तो हो जाता है। 17 दिसंबर 2002 का एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के वकील इस तरीके से हड़ताल का बहिष्कार का आह्वान नहीं कर सकते इस तरीके से, क्या वो चीज अब मौजूदा वक्त में या यहां पर लागू नहीं होती है? बिल्कुल होती है, उस आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से देखिए आप डेढ़ से दो घंटे में पुलिस वाले सुनियोजित तरीके से कोर्ट के अंदर आते हैं, जो चाहे वो करे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसका मतलब मान लिया जाए ध्वस्त नहीं होना चाहिए, रूलिंग है, रूलिंग है, लेकिन उसके बावजूद वकील अगर जाकर के अदालतों में तालाबंदी कर रहे हैं, आज अलवर में फिर से जाकर के थप्पड़ मार रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वकीलों को सरकार से अपने लिए एक शब्द सुनना है कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल जो हमारे यहाँ का स्तंभ है, महकमा है पुलिस, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक छोटी सी बात पे आप सोचिए हजारों लोगों को उठाकर लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सालों में पुलिस को कंट्रोल आपने उठाया है, जिसको मैं संजीव कौशिक जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, सबसे पावरफुल महकमा जिसके पास बल का प्रयोग करने का अधिकार है वो पुलिस है। क्या 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट जो बना ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद में, जिस तरीके से दमन करने के लिए भारतीयों के साथ में ज्यादती करने या उन्हें दबाकर रखने के लिए जो एक्ट बनाया, वो एक्ट अभी तक चला आ रहा है, उसमें कितने संशोधन किए गए? और 1857 से लेकर के 2019 के बीच में एक ऐसी मानसिकता भारतीय पुलिस की भी बन चुकी है कि जिसमें साहब कुछ भी हो बल का प्रयोग कर दिए। देखिए हमारे साथ ओपी सागर जी बैठे हुए हैं, ये ज्यादा बेहतर इस चीज को समझ रहे हैं और स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि मानसिकता पे बात कर रहा हूं, क्या पुलिस की ऐसी मानसिकता हो गई कि साहब हमसे लड़ रहे हो, हमसे कर रहे हो, वहां पर बल का प्रयोग कर रहे हो? मानसिकता भाई मैं आपको बता रहा हूं, उसी मानसिकता की। एक मिनट, मैं आ रहा हूं ओपी सागर जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट, मैं वही बोल रहा था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से यदि पुलिस को अपना कुछ उसमें दिखाई दे तो किस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा के या एक तरह से कॉकस बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए पुलिस किस तरह से, उसकी अपनी मानसिक एक अवस्था होती है, जैसे वो चलना चाहती है वो पुलिस चलती है। लेकिन एक चीज और इसमें जोड़ दें कि पिछले 5-6 सालों से जब से ये सरकार आई है, देश के कई ऐसे संवैधानिक संस्थान हैं जिसके इकबाल में क्षरण हुआ है। आप चाहे आप देख लीजिए, पहली बार आपने देखा कि देश के जज निकल के बाहर आंसू बहा रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। CBI की साख खतरे में है, RBI की साख खतरे में, इलेक्शन कमीशन की साख खतरे में, देश का पुलिस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेहतर व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देश का पुलिस जो पहली बार के बाद ही नहीं हुआ ना, देश में पहली बार पुलिस खड़ा होकर के अपने ही सुरक्षा की मांग कर रही है यहाँ पे खड़े होकर। ये कितने बड़े शर्म की बात है, आप हमें बताइए, हम किससे सवाल करें, इनसे जवाब मांगेंगे? शिवम जी जवाब दे रहे हैं। देखिए कमाल की बात है, मैं इसको एक दोहरा राजनीतिक चरित्र ना कहूं तो क्या कहूं, फिर ये कहेंगे कि आप पीछे क्यों जाते हो। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनको इलेक्शन कमीशन यानी के चुनावी अनियमितताओं के कारण उनकी सीट खारिज कर दी थी, इंदिरा गांधी की। और ये कह रहे हैं खतरे में थे ना 1975 में, खतरे थे, आप कह रहे हैं पहली बार खतरे में।
आप पहली बार खतरे में क्यों कह रहे हैं? 2009 को सीबीआई को कहा था, 2009 में सीबीआई को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा, आप कह रहे हैं कि नहीं तो क्या वो चीज है? क्या क्या 70 के दशक में जो हुआ वो आज के लिए, आज के लिए जायज ठहराते हैं कि आप भी कुछ कीजिए? मैं पीछे क्यों नहीं देख रहा? और आप जो इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, आप भी पुलिस को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत है, लेकिन जो इन घटनाओं की क्या गृह मंत्रालय को 2009 चेन्नई, 2009 चांदूगढ़, 2015 इलाहाबाद, क्या बात कर रहे हो? सीरीज ऑफ एविडेंस है, लेकिन आज ये दिल्ली में हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये संस्थाओं का हनन कर दिया था। हाँ एक रिएक्शन जल्दी से आपसे जी, किस तरह से आरबीआई के दो दो गवर्नर रिजाइन करके जाते हैं, किस तरह के सीबीआई के डायरेक्टर का 2 साल का फिक्स कार्यकाल होता है, उसको 23 दिन पहले हटा दिया जाता है, रात को 2 बजे उससे 4 तो आपके निगाह में सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार देख रहे हैं, आरबीआई का जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? इस चीज को लेकर धराशायी किया जा रहा है, ये एजेंडा है, 2012 से चल रहा है, इस देश में सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसी का जीता मेहनत करी है कांग्रेस ने इस एजेंडा पर, ना सक्सेसफुल हुआ ना सक्सेसफुल होगा। आपने बहुत कोशिश करी है इसको आगे रोल आउट करने में, चाहे चुनाव या नियमितता हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिसीकरण हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उनकी क्या धज्जियां आपकी सरकारों ने उड़ाई है इस देश ने? आप नहीं उड़ा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं उड़ा रही है, बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, जब चाहता जिसने सीबीआई की बात करवा देखिए देखिए बैठकर जाना पड़ेगा, चीजों के बीच पार्टी से आते हैं जिन्होंने 100-100 करोड़ के मान हानि के दावों पर माफी मांगी हुई है सर, उस पर भी क्या कहेंगे? सीबीआई से 7 बार रेट डलवाई, ठीक है सर। अब यहां पर एक चीज आती है, जैसा कि कहा गया दीप्ति जी की तरफ से, आप ओपी सागर जी, क्या उस 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट में अब तक बड़े बदलाव हो जाने चाहिए थे जो बदलाव नहीं हुए और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं? देखिए एक अलग तरह की एक मानसिकता सी बन गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए 1861 के पुलिस एक्ट को हम बार बार कोसते हैं, लेकिन वही सब कानून तो चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों, और इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसमें कि दमनात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख हो, इसमें बाकायदा एक सिस्टम है, पुलिस विभाग ऐसे चलेगा। आपके हिसाब से हुआ बिल्कुल ठीक है, जिसका विरोध वक्तन फोक्तन कई बार उसका हुआ, विभागीय कार्रवाई भी तो पुलिस एक्ट में ही दी है, पुलिस वालों को नकेल कसने के लिए, पुलिस वाले सबसे ज्यादा दंडात्मक कार्रवाइयों से गुजरते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां उनके ऊपर होती है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट उनको मिलता है, सबसे ज्यादा बर्खास्तगी पुलिस विभाग में होती है, इतना सख्त कार्रवाई होने के बाद जो है पुलिस बर्खास्तगी का सस्पेंशन का एक ट्रांसफर का रेशियो अगर देखे तो क्या पुलिस महकमा वो करता है या पॉलिटिकल दबाव की वजह से वो सारी चीजें कई बार पॉलिटिकल दबाव विभागीय कार्रवाइयों में ना के संजीव कौशिक जी, ठीक है विभागीय कार्रवाई मगर कितनी हो पाती है? एक आम आदमी जब पहुंचता है पुलिस थाने में जाकर के कैसे उसके साथ में बर्ताव किया जाता है? FIR लिखवाने के लिए उसे किसी की मदद लेनी पड़ती है? मैं यहाँ आपसे पूरा सहमत हूँ, वाकई उसको बहुत दिक्कत होती है थाने में जाने पे, उनकी तो सवाल नहीं होती, सवाल मानसिकता है पुलिस के कामकाज करने के तौर तरीके और वो जो एक मानसिकता जो सेट हो गई है। संजीव कौशिक जी मानसिकता ये है कि पुलिस वाकई बुरी मानी गई है, पुलिस बुरी मानी गई है, उसके जो एक पहलू और है, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि पुलिस जो है 2 पार्टी से डील करती है, एक का वो जो कि न्यायिक होगा जो भी सही होगा वो एक उससे संतुष्ट हो जाएगा, दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा, तो 50% तो हमेशा पुलिस से असंतुष्ट रहेंगे ही किसी भी कार्रवाई में। ये तो हर मामले में होगा, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियों का पुलिस के ऊपर एक प्रेशर है और हमेशा जिस भी स्टेट की बात सच भी है सर, जिस भी स्टेट की नहीं होता, जिस भी स्टेट की बात हो नहीं होगा, उस स्टेट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का इसको तो शिवम त्यागी जी भी मानेंगे, शिवम त्यागी जी भी मानेंगे। एक चीज आपको कहना चाहूंगा जब्बार जी, अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि साहब मुझे ना न्याय नहीं मिल रहा, मुझे बड़ा मारा है मेरे गांव वालों ने, तो आप क्या करते, वो क्या कहते हैं वकील साहब? चलिए कोर्ट में, मैं अभी आपकी पिटीशन फाइल करता हूं, आपको न्याय दिलाता हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ यहाँ पे, आप बात सुन लीजिए ना पूरी, आप सहमत नहीं है मैं मान लूंगा, आप अपनी असहमति जताना जी, लेकिन वो उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई करने के लिए आगे सारी चीजें प्रोसीजर्स बढ़ा देता है, मतलब कानून की तरफ उसको एक रास्ता दिखाता है और राह दिखाता है कि लीगल तरह से आपको मदद मैं दिलवाऊंगा सरकार से या कोर्ट से, यही होता है कोर्ट में
में सेट पैटर्न है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। मैडम आप सुन तो लीजिए, मुझे अगर कोई परेशानी है तो मैं वकील के पास जाऊंगा तो वकील मुझको सलाह देके कोर्ट में लेके जाएंगे ना, और अलग अलग तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक पार्किंग विवाद को लेकर मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं 10 सेकंड के लिए पुलिस वालों ने गलती करी, उन्होंने क्या किया कि उनके साथ वकील साहब के साथ बदतमीजी कर दी, उनका धर्म क्या कहता था आप मुझे बताइए। उनका धर्म कहता था कि भाई आपको कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जाना पर देना था, आप उनके कार्रवाई के खिलाफ केस करते, जो पुलिस वाले गलत करे थे वो ऑटोमेटिकली जेल जाते, सस्पेंड होते सारे काम, लेकिन इन रिटर्न में उन्होंने भी वही किया जो पुलिस ने किया, तो फिर सही कौन रहा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस दोनों ही डिपार्टमेंट में जो भी कुछ गलत लोग हैं या दोनों ने जो भी कुछ गलत काम किया है उनको सजा, ये एसआईटी का गठन सिर्फ इसीलिए जरूर है। इसमें जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल अफसोस है कि आप लोगों की जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए कतई नहीं बनती क्योंकि वो तो खाने का इलाज कराने मेरा ख्याल बैंगलोर गए हुए हैं। एक सेकंड अभी उनकी भी जिम्मेदारी बना लिया गया, चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हो भाई, सिविल पुलिस 4.5 साल हो गए, जरा सार्थक और कंक्रीट वे में, जरा सार्थक और कंक्रीट वे में थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चलेगा तो दिल्ली में राजनीति करने लगे वकीलों के ऊपर आके। सर बड़ा दुर्भाग्य, आज मेरे घर में चोरी हो जाती है तो बीट ऑफिसर मुझसे पूछता है कि बताओ चोर कौन थे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि होना ये चाहिए कि बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है उस एरिया में चोरी होने की। लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, रेड लाइट पे जो लोग खड़े हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही तो है, पुलिस को कुछ करती ही नहीं। ठीक है सर, रेड लाइट पे लोग खड़े हैं, ये जो बारिश में आप लोग घूम रहे हैं, अब ये जो ठीक है, अब हम लोग चुकी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में, मैं एक सबसे और डीलिंग के मामले में, ठीक है सर, ठीक है सर, मदद तो आप करेंगे सर, पुलिस के इलाज के लिए तो पैसे आप देंगे नहीं, तो जाहिर बात है दिल्ली में जितना काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैं सहमत हूँ आपकी बात, कमाल की बात कर रहे हैं साहब। ठीक है दीप्ति जी, ये जो कुछ भी हुआ या अभी भी जो कुछ भी हो रहा है जी, वकील भी उतने ही ज्यादा दोषी हैं, और अभी भी वो अपराध क्या नहीं कर रहे, कानून क्या नहीं तोड़ रहे। देखिए जिस तरीके का माहौल दहशत का बना दिया गया है ना, तो दहशत के माहौल में आप जब किसी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, जब सबसे पहले आप एक किसी को भी बच्चे को भी मारते हैं तो बच्चा क्या करता है, चिल्लाता है, शोर करता है। प्यार जब आप करते हैं तो सब कुछ खामोशी से शांति से होता है, यहां तो मारपीट की बात हो रही है। आप आपके घर में घुस के कोई मारा है, कोर्ट हमारे वकीलों का घर है, और वहां घुसकर मार रहे, महिलाओं के कमरों को तोड़ा गया, बिना जाने की कौन क्या है, लाठी चला रहे, और तो उसके बाद चार है, पर पुलिस उसके बाद आप चार है, खामोशी से सब लोग चुप रहे। अरे पुलिस से तो पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग त्रस्त है, आज वकीलों को त्रस्त है, लोग कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे। ठीक है जब्बार जी, ये घटना दो तरह से देखी जाएगी, एक घटना थी जिस दिन ये घटना घटी उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कोर्ट ने मार्क कर दी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कौन लोग उसमें दोषी हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं या वकील हैं, उनके उनके साथ कानून के तहत डील किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है उस घटना के बाद परिस्थिति सामान्य हो जाने चाहिए, लोगों के अंदर डर नहीं होना चाहिए, वो जो डर और भय का माहौल बना हुआ है उसके लिए सरकार दोषी है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया जिसके कारण ये डे बाय डे परिस्थिति और खराब हुई। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि शरारत पूर्ण तरीके से इन लोगों के अंदर डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, वो सरकार की जिम्मेवारी है कि उस वातावरण से बाहर निकल के आए। इसमें गृह मंत्रालय पूरी तरह से दोषी है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से दोषी है, और गृह मंत्रालय को इस पे जवाब देना चाहिए, और गृह मंत्रालय के आदेश पे एलजी को आगे आके इसमें कार्रवाई करना चाहिए, दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एसआईटी गठित हो चुकी है, जो भी दोषी है उनको जेल डाला जाएगा, और बिल्कुल भय में रहने की जरूरत नहीं है साहब, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि इमरजेंसी लगा देगी या कत्ले आम करा देगी 84 की तरह, बेफिक्र रहिए सब। ओपी सागर साहब, अब आप बताएं कि इसमें मतलब गलती किसकी ज्यादा बनी, और सरकार का इसमें रवैया कैसा रहा आपके निगाह में, गृह मंत्रालय का रवैया कैसा रहा, क्या होना चाहिए था जल्दी सर? देखिए जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है इसमें एस्टूरेज, तो अब इसमें और हम लोगों को कहीं से कोई ज्यादा उसी पर भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक लोगों को बिल्कुल भी दखल नहीं करना चाहिए। देखिए संजीव कौशिक जी, राजनीति हो रही आखिर में, अंत बार काउंसिल भी इसमें आगे आ गई है, उन्होंने भी दोषी वकीलों को सामने लाने की बात कही है,
और पुलिस के आला अफसर भी जो है इस बात को कह रहे हैं, जो दोषी होंगे पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुरंत होने वाली है ये कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है, देर नहीं होगा। पूरे मसले से मैं बहुत दुखी हूँ, चूंकि लाख हम शिकायत करते हैं लेकिन इन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं देश की जनता को। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्द ये घटना का पटाक्षेप हो, दोनों एक साथ आए मिलकर काम करें, देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त यहीं पर था। आदेश भारद्वाज जी, शिवम त्यागी जी, वकार चौधरी जी, ओपी सागर जी, दीप्ति सिंह जी और संजीव कौशिक जी, आप लोगों ने वक्त निकाल करके R9 टीवी के माध्यम से दर्शकों तक इसके अलग अलग पहलुओं को पहुंचाया। मगर कब तक यह होता रहेगा जब एक तरफ कानून के रखवाले और जुर्म के खिलाफ एक्शन लेने वाले लोग, दूसरी तरफ कानून की समझ लेने वाले और उन्हीं कानून के सहारे मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद करने वाले लोग ही आपस में इस तरीके से भिड़ेंगे, तो फिर ऐसे में क्या नए भारत का निर्माण ऐसे ही होगा? और ऐसे में यह मामला कब तक थमेगा? कितना और इंतजार करना होगा? फिलहाल इंतजार हमें भी करना होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। पुलिस ने आतंकवादियों को टांग में मारती है, वकीलों की छाती में मारती है। ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक कि जो मेन अक्यूज है वो अरेस्ट नहीं होता। हल सिर्फ एक ही है कि जिन्होंने गलती कर रखी उनको जेल के अंदर डाल दो, उसके अलावा कोई हल नहीं है।